Hello class 8, this is our part 2 video of chapter number 8, Confronting Marginalization. So 8th standard, in the previous video we have covered that how and why the marginalized communities raised their voices. And our today's topic is laws for the marginalized. As we already covered in the previous lessons, that we all are the citizens of this nation and government makes laws for us to protect or to give us security. But there are some specific laws and policies for the marginalized communities also. So basically, what are the reasons to make special provisions, special schemes for those communities? Because they were very, very backward and they have very less opportunities and resources they have. That is why our Indian constitution makers made some special provisions and policies for the marginalized communities. So the first reason that why the laws specially made for the marginalized communities, so first point is promoting social justice. So justice ke liye, taki sab log equal treatment sabke saath kiya ja sake, central as well as the state government अपने अपने लेवल पर बहुत सारे स्कीम्स एंड पॉलिसीज को क्रिएट करते हैं, देन उनको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. लाइक दलित पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ने फ्री एंड सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासी कम्युनिटीज, सो दैट दे कैन अवेल ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज that may not be available in their localities. So special hostels banaye gaye aur unko free of cost rakha gaya. Reason, taki wo education se lack na ho jaye, us cheez ko wo kahin le hi na paaye, education hi na kar paaye, just because ki wo is tarah ke localities mein, areas mein rehte hain. So government specially inke liye free cost pe, jisme koi fee structure nahi hota, इस तरह की फैसिलिटीज अवेल कराते हैं. अगेन ओनली द रीजन इज कि क्या इंश्योर कराना है, इक्वालिटी, पूरे सिस्टम में इक्वालिटी हो, सब लोगों के साथ जस्टिस हो पाए. यही रीजन है कि एजुकेशन में गवर्नमेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की हेल्प करती है एंड कुछ पॉलिसीज बनाए जाते हैं. वन ऑफ द पॉलिसी इज रिजर्वेशन पॉलिसी. This is very very important topic and आपने ये term सुना जरूर होगा कि reservation होता है हमारे education system में. It is very very important, इसका अपना significant है and बहुत value है. And इसके पीछे, इसको start करने का भी reason वही था, society में equality लाना. This laws which reserve seats in education and government employment for Dalits and Adivasis are based on an important argument that in a society like ours. So basically, Adivasis and Dalits ke liye, as you all know, ki unke paas bahut kam facilities hoti hain. So ek reservation policy ko, reservation system ko start kiya gaya, जिसमें एजुकेशन में कुछ सीट्स रिजर्व कर दी, यानी फिक्स कर दी कि उन सीट्स पे इसी कम्युनिटीज के लोग एडमिशन ले पाएंगे. और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में भी दलित्स एंड आदिवासीज के लिए सीट्स को फिक्स कर दिया गया. ओके, सो इस तरह के स्टेप्स उठाने से क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं उन लोगों के पास एक स्पेशल पावर आई कि चलो ठीक है, हम भी एजुकेशन ले लेते हैं. अदरवाइज मेजॉरिटी या डोमिनेंट ग्रुप कभी भी उनको एजुकेशन सिस्टम में शायद आने ही ना दे. ठीक है,
नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस आपके टॉपिक से आता है, दैट हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क. रिजर्वेशन पॉलिसी चलती कैसे है, क्या सिस्टम है रिजर्वेशन का. कोई भी कह देगा कि मैं दलित कम्युनिटी से हूँ या आदिवासी कम्युनिटी से हूँ तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा. नो. सो गवर्नमेंट क्या करा, गवर्नमेंट ने सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपने सर्वे किए और उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर की. वो लिस्ट किस चीज की थी, इट्स स्टैंडर्ड शेड्यूल कास्ट जिसको हम दलित्स बोलते हैं एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट. सो यानी जो बिल्कुल पिछड़े हुए लोग थे जिनको कुछ नहीं पता था सोसाइटी के बारे में, उन सभी कास्ट के रिकॉर्ड्स बना के एक लिस्ट प्रिपेयर की गई. द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज इट्स लिस्ट. अब गवर्नमेंट के पास ये लिस्ट आ गई, वो पूरे कास्ट की जितने भी बैकवर्ड पीपल हैं, ट्राइबल पीपल हैं, उन सबके कास्ट की लिस्ट गवर्नमेंट के पास है. नाउ अब स्टूडेंट क्या करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करते हैं. उनको प्रूफ देना होता है कि वी आर बिलोंग टू सो एंड सो कास्ट. वो प्रूफ देने के लिए उन्हें गवर्नमेंट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है. अगर आप सपोज कीजिए कि मैं अपना एक सर्टिफिकेट बनाना चाहती हूँ तो आई हैव टू शो वन प्रूफ कि मैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ. फिर मैं सर्टिफिकेट बनाऊंगी, गवर्नमेंट मैच करेगा कि उसके पास जो लिस्ट है और जो मैं कास्ट बता रही हूँ वो कॉमन आ रही है कि उस लिस्ट में. अगर आएगी देन गवर्नमेंट विल डेफिनेटली इशू अ सर्टिफिकेट फॉर मी जो कि कास्ट को बताएगा. फाइन. देन जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा. सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन अप्लाई अ कास्ट सर्टिफिकेट एंड योर रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क्स. अगर आप कहें कि भाई ये अपने आप हमें बोल देंगे कि आपको एडमिशन देना है, दिस इज नॉट पॉसिबल. यू हैव टू शो योर प्रूफ दैट यू आर बिलोंग टू सो एंड सो कास्ट जो कि उस कैटेगरी में आता है जो गवर्नमेंट के पास भी लिस्ट है. सो आप ये बात नहीं भूलेंगे, गवर्नमेंट कहाँ से आइडिया लगाएगी. सो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरे कास्ट की एक लिस्ट उनके पास है जिसमें से मैच करके वो कास्ट सर्टिफिकेट्स इश्यू करते हैं एंड देन वी कैन यूज दोज सर्टिफिकेट्स फॉर आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स. सो 8th क्लास फॉर एडमिशन टू कॉलेजेस, आपने एक बात ना बहुत आराम से सुनी होगी टीवी में एंड अपने ब्रदर, अगर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ लिस्ट. ये कट ऑफ मार्क्स क्या होते हैं, जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो कॉलेज अपना एक पर्टिकुलर परसेंटेज निकालता है कि मुझे इस परसेंटेज के स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने 12th में अचीव किया है. तो अब आपको क्या करना है, आपको एडमिशन लेना है. अब सब लोग सेम कट ऑफ पे जाएंगे. सपोज 98% कट ऑफ आया है कॉलेज का तो 98% वाले स्टूडेंट ही एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है. लेकिन ये दलित्स के लिए या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए नहीं है. कहते हैं दिस मीन्स दैट नॉट ऑल दलित एंड ट्राइबल कैंडिडेट्स कैन क्वालिफाई फॉर एडमिशन बट ओनली दोज हु हैव रीजनेबली वेल एंड सिक्योर्ड मार्क्स अबव द कट ऑफ पॉइंट. तो अब आपके लिए क्या होगा, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या फिर रिजर्वेशन पॉलिसी की ही हम बात कर रहे हैं तो कुछ कॉलेज इनको रिलैक्सेशन देगा. जब हम उनको सर्टिफिकेट शो करेंगे कि हम इस कास्ट के हैं सो कॉलेज डेफिनेटली आपको 5 to 6 या कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कुछ परसेंटेज में रिलैक्सेशन मिलेगा बिकॉज आप बाकी स्टूडेंट से अलग हो गए. क्यों, क्योंकि जो दलित कम्युनिटीज हैं उनके पास फैसिलिटी नहीं थी. सो एज कम्पेयर टू जनरल स्टूडेंट जो नॉर्मल सब फैसिलिटीज में, हमारे जैसे बच्चे जो सिटीज में रह रहे हैं आपके जैसे, वो सब फैसिलिटीज उनके पास है, एजुकेशन, टीचर्स, प्रॉपर मटेरियल, ठीक है. लेकिन जो ऐसे कम्युनिटीज से आए हैं जिनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं था, इवन टीचर्स भी नहीं थे, बुक्स भी नहीं थी अच्छे से, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, अगर उन्होंने 5 to 10% लेस भी अचीव किया तो कॉलेज उनको ग्रांट करता है और एडमिशन दे देता है. सो इन दिस वे जो पॉलिसी है आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क करती है. आपको सर्टिफिकेट शो करना है, पहले बनवाना है देन शो करना है,
और आपके फिर जब कट ऑफ आती है तो वो बाकी लोगों से अलग आएगी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं। सो इन दिस वे द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जब आप कॉलेजेस में एडमिशन्स लेंगे देन यू कैन ऑब्जर्व कि किस तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क करती है।